हाथ थामे बैठी हूँ मैं लंबे जलप्रपात की गोद में, जहाँ तितलियाँ मेरी खोसे से लगे कनकमराल के फूलों से बतिया रही हैं। तुम हौले से मीठे पान का एक टुकड़ा धर देते हो मेरी जीभ पर। बस्तर, ये नाम सुनते ही बारूद, नक्सली, आदिवासी, पिछड़ापन दिमाग में कौंध जाते हैं। लेकिन संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति की गोद में बैठा ये क्षेत्र किसी को दिखाई नहीं देता। बस्तर की एक शिक्षिका और कवित्री यही तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है। पूनम वासम अपनी कलम से दुनिया के सामने असल बस्तर पेश कर रही हैं। वो कहती हैं, शायद बस्तर के प्रति आस्था जताने का ये उनका तरीका है। डूब कर उभरता है प्रेम में, जैसे कोई पगडंडी भागती है सड़क से दूर, जैसे कोई दंडामी माड़िया मृत्यु से पहले धारण करना चाहता है गौर से। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे बस्तर का भी जो दूसरा पहलू है, यहाँ की जो लोक संस्कृति है, लोग रंग है, यहाँ जो यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो जनजाति है, यहाँ का जो पर्यटन है और यहाँ का जो रहन सहन है, मुझे लगता है कि विश्व में एक अद्भुत जो जिसको बोला जा सकता है वैसा क्षेत्र बस्तर है। पूनम बीजापुर में टीचर है और साहित्य में रुचि रखती है। पति शैलेश का साथ मिला और वो अपनी लेखनी के जरिए बस्तर के आदिवासियों की परंपरा, सभ्यता के साथ साथ उनके दुख, दर्द और तकलीफ दुनिया के सामने लाने लगी। मैंने सोचा कि जब मैं लिख रही हूँ, लेखन में अपना योगदान दे रही हूँ और मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं उस जगह के लिए करूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, जिस जगह का मैं खाती हूँ, उसका कर्ज है मेरे ऊपर और उस कर्ज को मुझे उतारना है। तो मुझे लगा कि यही एक माध्यम हो सकता है कि आप अपने जीवन की सारी अनुभूति जो है, या बस्तर के प्रति जो आपकी आस्था है और यहाँ का जो जनजीवन है और यहाँ की जो सकारात्मक चीजें हैं, वो दुनिया के सामने, देश दुनिया के सामने कैसे लाया जाए। इसीलिए मेरी जो कविताओं का केंद्र बिंदु है, मुक्त है, वह बस्तर है और मैं आदिवासी विमर्श की ही कविताएं लिखती हूँ। जैसे संगम में उगता सूरज, जैसे संगम में उगता सूरज भद्रकाली मंदिर की मुंडेर को छूता हो, जैसे युधिष्ठिर बैठे हो ऊंची पहाड़ी पर धर्म की प्रतीक्षा में, बस वैसे ही ताजा सेल्फी की तरह। ये लेखिका कई मंचों पर वरिष्ठ और प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ बस्तर की आवाज बनी। यही नहीं, वो अब तक साहित्य अकादमी दिल्ली, ग्वालियर, भोपाल और कोलकाता में आयोजित कई कार्यक्रमों में बस्तर को लिख और पढ़ चुकी हैं। उनकी कविताओं में आदिवासियों का दर्द महसूस होता है। उनके कहने पे मैंने ये शुरुआत की और जब मैं लिखने लगी, लोगों के दर्द, दुख, बस्तर की संस्कृति, रीति रिवाज और यहाँ का रहन सहन, जब सारा कुछ मैं अपनी कविताओं में ढालने लगी और लोगों के सामने उस नएपन को लेकर जब मैं नए बिंब के साथ मुख्य धारा में जुड़ने लगी, तो मुझे एक जो संतुष्टि मिली, तो मुझे लगा कि नहीं, ये लेखन ही है जो मुझे पूरी तरह से जीवन में संतुष्ट कर सकता है और इसके लिए मैं अपने पति का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। ओडिशा, झारखंड और बिहार के शोधार्थी उनकी कविताओं पर शोध कर रहे हैं। पूनम ने बताया कि जल्द ही उनका एक कविता संग्रह प्रकाशित होने वाला है। उनकी किताब का नाम मछली गाएगी एक दिन पंडुम गीत है। खासतौर पे यहाँ की जो भद्रा जनजाति है और यहाँ की जो अंदर जो जनजातीय संस्कृतियाँ हैं, उन पे काम करना अभी बाकी है। और तो मुझे ये लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ ऐसा लेखन के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक जो प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उस तरह से मैं देना चाहती हूँ। पूनम बस्तर की महिलाओं की मनोदशा पर बहुत कुछ लिखना चाहती हैं और वो इसके लिए कहानी को जरिया बनाएंगी। और मुझे लगता है कि यहाँ की महिलाओं के ऊपर उनकी सोच क्या है स्थितियों को लेकर, कि वो मुख्य धारा को किस नजरिए से देखती है या आधुनिकता को किस नजरिए से देखती है, और जहाँ दुनिया चांद पे पहुंच रही है और हमारे यहाँ लोग अब भी पगडंडी से जुड़ने के लिए मजबूर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो मुख्य धारा तक आ सके। तो मुझे लगता है कि कहानी एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो यहाँ की पूरी संस्कृति को समाहित करके कहानी के रूप में मैं काम करना चाहूंगी और यहाँ की चीजों को लोगों के सामने इस माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। पूनम कहती हैं कि बस्तर के दूसरे पहलू को लोग जानते ही नहीं, ये विश्व का अद्भुत क्षेत्र है। वो कहती हैं कि बस्तर का कर्ज है उन पर, जो उसे जीवन भर लिख कर उतारना चाहती हैं। संतोष तिवारी, ईटीवी भारत, बीजापुर। जैसे संगम में उगता सूरज, जैसे संगम में उगता सूरज भद्रकाली मंदिर की मुंडेर को छूता हो, जैसे युधिष्ठिर बैठे हो ऊंची पहाड़ी पर धर्म की प्रतीक्षा में।